पिछले साल भी शाहनवाज भाई ने बहुत लोगों को फ्री ऑक्सीजन दिया, पूरी मुंबई में कहीं भी नहीं ऑक्सीजन, लेकिन शाहनवाज भाई को कॉल किया तो उन्होंने कहीं से भी मुझे अरेंज करा के दिए। तकरीबन 500 से 600 कॉल मुझे डेली आ रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब हर एक कॉल को हम लोग सिलेंडर पहुँचाएं। मुंबई के मालवनी इलाके में रहने वाले शहनवाज शेख अब शहर के ऑक्सीजन मैन बन चुके हैं। लोग अब इन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से भी पुकारते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल जब पिछले साल कोरोना महामारी मुंबई पर कहर बरपा रही थी, तब इनके दोस्त की बहन ने ऑक्सीजन के अभाव में ऑटो रिक्शा में दम तोड़ दिया था। अगर उन्हें समय पर ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। इस घटना ने शहनवाज की जिंदगी और लक्ष्य दोनों को बदल कर रख दिया। अब इस घटना के बाद शहनवाज ने कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने का प्रण लिया था। पिछले साल मरीजों की मदद करने के लिए शहनवाज ने अपनी फोर्ड एंडीवर कार तक बेच दी थी और उन पैसों से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे, जबकि 40 ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने किराए पर लिए थे। तकरीबन 500 से 600 कॉल मुझे डेली आ रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब हर एक कॉल को हम लोग सिलेंडर पहुंचाएं, लेकिन इस समय लिक्विड की कमी के चलते हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिन के हम लोग 10-20% लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। हमारा टारगेट है जितने हमें कॉल आ रहे हैं हम लोग हर एक कॉल तक पहुंचे। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो काफ़ी लोग मतलब हमने देखा था कि मतलब परेशानी में रहे, तो जैसे माइग्रेंट्स हैं लोगों के पास और जो डेली वेज वर्कर थे उनके उसमें खाने की प्रॉब्लम थी, तो वो सब चीज़ें काम करते करते ऐसा होता कि मतलब एंड में जब दिखा मेरे उसमें सेविंग नहीं है और मुझे ऑक्सीजन सर्विस स्टार्ट करनी है तो कैसे करते थे। तो जो मेरे दिमाग में आइडिया है कि हम लोग मैं अगर अपनी कार भेज दूंगा और उन पैसे से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लाएंगे और वो लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इस तरीके से मैंने इसकी शुरुआत करी थी। सर इसको ऑपरेट कैसे करते हैं जिसके घर पे देते हैं? देखिए अगर हमें कोई कॉल आता है तो हम लोग पहले उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आके पिकअप करके जाइए, और वो अगर आते हैं तो हम लोग उनको यहाँ पर सारी चीज़ें बताते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, सारा किट वगैरह हम लोग देते हैं उन्हें, फिर उन्हें घर पे आके पेशेंट को मास्क लगाना है, उसका प्रेशर अप डाउन करना है। अच्छा, कितने सिलेंडर है आपका? अभी फिलहाल हमारे पास 200 सिलेंडर हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी किल्लत है लिक्विड की, और अगर हमें 200 सिलेंडर डेली मिलेंगे तो हम लोग 200 लोगों तक डेली पहुंच पाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन लिक्विड की किल्लत की वजह से हम लोग डेली 50-60 सिलेंडर ही रिफिल करके मिल पा रहे हैं। लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शहनवाज के पास अब 200 ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक है। पिछले साल कोरोना काल में शहनवाज ने तकरीबन 4000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर देकर मदद की है। जी पता तो मुझे पिछले साल से ही था, पिछले साल भी शहनवाज भाई ने बहुत लोगों को फ्री ऑक्सीजन दिया, तो इसी के लिए अब की बार भी मैंने उन्हीं को कॉन्टेक्ट किया था। इनसे पहले भी कितने लोगों को कॉल किया लेकिन कहीं से भी इंतज़ाम हुआ नहीं, सब मना ही कर रहे थे कि पूरी मुंबई में कहीं भी नहीं ऑक्सीजन, लेकिन शहनवाज भाई को कॉल किया तो उन्होंने कहीं से भी मुझे अरेंज करा के दिए ऑक्सीजन। क्या हुआ था, किसके लिए चाहिए? मेरे पापा के लिए चाहिए था, उनकी तबीयत खराब थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में भी मैं लेकर गया, कहीं बेड खाली नहीं थे, तो इसके लिए घर पे ऑक्सीजन उनको दे रहे अभी 3-4 दिन से, तो अभी तबीयत ठीक है। इस बार भी जब कोरोना वापस कहर बरपा रहा है तब एक बार फिर से शहनवाज लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके इसलिए उन्होंने मलाड में वॉर रूम भी तैयार किया है। इस वॉर रूम में उनके पास रोजाना 500 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। शहनवाज हर किसी की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई शहर में अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरतमंद है तो वो शहनवाज को 9892012132 नंबर पर फोन कर सकता है। इस वॉर रूम में आपको न सिर्फ मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा बल्कि इसके साथ बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर की सभी जानकारियां भी आपको मुहैया करवाई जाएंगी।